Why are you crying? Look at it. चलो हमें चलो अचानक से जल्दी से तैयार हो दादा का देखो। हाँ फैमिली कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी अभी आया है मेरी नन का फोन, तो वो कह रही है हम लोग तीनों बहनें जो है वो आ रही है अपने भाई को वो देने आ रही है सरप्राइज, क्योंकि उसकी है कल बर्थडे तो आज रात को सरप्राइज देना। तो हम लोग तो वैसे ही बैठे हुए थे, बल्कि नींद आ रही थी और इनके पापा लेट हैं, उनकी अभी भी आई थी कॉल। और चने का सालन था और अभी मैंने जो है ना चिकन निकाल दिया, मैंने कहा ये फ्राई कर लेते हैं और साथ में कुछ और भी मंगवा लेते हैं, बाकी केक वेक वो लेके आए। मीनू बना रही अपने लिए छोटा। तो भाई मेरी तीनों नंदों ने जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, हालांकि मैंने थोड़ा सा कहा कि यार मुझे तो बता देते, मुझे कौन सा सरप्राइज़ दे रहे हो, सरप्राइज़ तो तुम्हारे भाई के लिए है, तो मैं चलो एटलीस्ट खाना अच्छा बनाती। तो उन्होंने कहा कि खाने पीने की कोई बात नहीं होती है, जो भी होगा हम खा लेंगे। और बात भी बिल्कुल ठीक थी, जब एक दूसरे से प्यार हो, दिल साफ़ होना, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। खाना पीना और ये सब तो चलता ही रहता है और खुदावंद का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे घर पे कोई गैर भी आ जाता है ना, तो हम खाने के बगैर जो है ना अगर खाने का टाइम है तो नहीं जाने देते। तो ये तो तीनों फिर भी इस घर की बेटियां हैं, तो जो भी हुआ हमने जल्दी जल्दी जो है वो कर लिया। और खाना जो है मैंने चने और अंडे अवेलेबल थे वही मैंने कर लिया, और साथ में चिकन पड़ा हुआ था, चिकन की मैंने वाइट कढ़ाई बना ली क्योंकि मेरी नंदों को लास्ट टाइम वाइट कढ़ाई बड़ी पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो आज फिर से जो है ना यही बना लेते हैं। तो ये सब जो है ना वो दिल मिले की बात होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की बात होती है, ये चीज़ें ना हो तो खाने वाने सब जो है वो फजूल ही होते हैं। मुझे खाना सारा बना के मैं आ गई हूँ और ये नॉर्मल सी टी शर्ट इस्त्री कर रही हूँ इनके पापा की, वो इसलिए कि अगर मैंने अभी कोई, वैसे तो दो नए सलवार कमीज पड़े हुए जो कि पहने भी नहीं, अगर मैंने वो कर दिए या फिर मैंने कोई शर्ट कर दी ना, तो उसने कहा ना लो जी अभी अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और मुझे ये वाले कपड़े उसने पहनना नहीं, तो मैंने कहा नॉर्मल सी टी शर्ट ही कर लेते, कोई बात नहीं घर पे ही है। तो इससे पहले कि बर्थडे बॉय का मूड हम ख़राब करें तो हम वही करते हैं जो उसको पसंद है, तो नॉर्मल सी टी शर्ट ही करते हैं क्योंकि आज गर्मी भी बहुत थी, तो सुबह से वो गए हुए आज काम भी ज़्यादा था कराची में पूरे में, आज लाइट नहीं थी तो उनके दफ्तर में भी आई थिंक जनरेटर वगैरह चलते रहे, तो सारा फिर जो है ना सारा दिन ऐसे ही गुजरा है। तो उनकी जो है वो ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए नॉर्मल सी टी शर्ट। देखो निशा दादो को, हाँ अच्छा लग रहा है, हाँ सही है। चलो अचानक से जल्दी से तैयार हो गए दादा का देखो। हाँ तो आप भी सही लग रहे हो निशा, तेरे पापा को देख, मैंने ये की मैंने कहा आंदे ही गर्म ही ना हो जाए केड़े कपड़े कर छड़े ने, हाँ ना मैं क्या थकिया है सुबह तो है ही सही है। खैर वीनू नहीं आई नीचे अभी, तो अभी तक इनके पापा आए नहीं और इनकी फुफियां बैठ गई उधर इंतजार कर रही है शम्मा के घर पे, वो दूसरी दोनों भी बैठी हुई, तीनों एक साथ ही आएंगे तो अभी शायद आने वाले हैं, हाँ आने वाली होगी। अच्छा लग रहा है नरम कुर्ता। वीनू क्या कर रही है, वीनू कह रही थी मैंने दूसरे पहनने नॉर्मल, पर मैंने उसको कहा नहीं इतने नॉर्मल भी नहीं पहनो, दादो तेरी तकिए चढ़ा। Why are you crying? बल्कि
विनू आ गई है, अच्छा लग रहा है। हाँ अभी मिल लो, खैर अभी नहीं, सही है तानू, ठीक है बेटा, ऊपर लाइट नहीं, आ जा, सच्ची कह रही हूँ, ठीक है आ जा। हाँ हो गई, हो गई, हाँ रोमी से इतना हैरान क्यों हो रहा है, दो के बर्थडे नहीं है। हाँ मेरी है, लेकिन मेरी एडवांस में कहना है, अभी आएगी देर से। चलो उधर बैठो। जब हम अपने भाई की बहन की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सुराम से इन दोनों के लिए सब पसपा हो, सदा खाते रहे, से तंदुरुस्ती में बढ़े, मेल मिलाप। भाजी शायद स्माइल चलो थैंक यू।
चलो थोड़ा जे चख ले लियाओ सांस एक केड़ा दोवां चो छे वाला है चलो दो थोड़ा थोड़ा काट दे ये ले उठा तानू किधर गई है एल तो ला है वे एंड्रू दो हां एल एंड्रयास मैंने तो भी एक भी नहीं खाया एंड्रयास सिर्फ तो है ला ली बर्थडे हो गई है और अभी खाना खाने लगे। सालन बहुत टेस्टी बना है व्हाइट कढ़ाई मलाई डाल के पूरी है। हाँ नहीं वो जो आपने बचाई हुई थी सही है ना। गरम कर दो इसको थोड़ा ओवन में। मैं दूसरा भी डाल दूंगी। टेस्ट करने वालों को बड़ी बरकत दे। जहाँ से जा रही है इस चीज की वीडियो में बता दो तो नहीं मिल सका उनको भी देता तो अभी तेरा नाम है ये सुना होगा। आमीन। चलो बाय बाय। थैंक यू मैडम। हमारी भाभी इतनी स्वीट है हमने कहा स्वीट सर सरप्राइज। थैंक यू। चलो आ रहे हैं हम लोग छोड़ के इनको। हाँ ये क्या भैंगी बन रही है। हाँ रख लो है दो पाल ले। हाँ एनजी छिल के देना अच्छा। मैंने कहा सीएमएस पे आ रहा है। सही है सही। कहाँ लेके गया हुआ था इसको है। इतने सारे छोड़ने आए हुए उनको हैं। तो गैस सारे जा चुके हैं और अभी हम लोग किचन में आ गए और सारा समेट रहे हैं और ये केक इसमें ला दिए। एक इसमें से बचा है किसमें से। और मैंने स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना स्कूल बिला वजह ही बेटा छुट्टी नहीं करते हैं। नहीं काहे का लास्ट चांस। मुझे सोना हो जा प्लीज। बेटा फ्राइडे को आगे सैटरडे संडे छुट्टी है स्कूल में। हाँ इसको करो। नहीं नहीं क्यों इसकी भी खराब हुई है सारी शर्ट इसकी भी खराब है क्यों वो लाएगी। हाँ ये भी छोटों में ही कर दो वो सालन भी। हाँ कहना क्यों इसकी भी खराब हुई है शर्ट। तो अभी हम वीडियो का करेंगे एंड और मैं बाजी शाद का शमशाद का रुबीना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया और गिफ्ट भी बहुत अच्छे हैं बहुत जल्द मैं दिखाऊंगी। हमेशा खुदा उनसे यही दुआ है कि आप बहन भाइयों का प्यार इसी तरह बना रहे। कोई भी गम दुख तकलीफ और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ना आए हमेशा इसी तरह खुश रहें। अगर आप लोगों को इन बहन भाइयों का प्यार पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बहुत जरूरी काम है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।